राजस्थान बैढ़न में है। बैढ़न जो कि सिंगरौली का टाउन है और अभी हम लोग कुछ काम से बैढ़न में जा रहे हैं। बैढ़न का भी ये क्या कि हम लोग स्केल लेके आ रहे हैं, मतलब कुनिया जिसको कहते हैं, जिससे जमीन का मापांक नापते हैं, उसको लेने के लिए हम बुक स्टोर पर जा रहे हैं। वो ओनली ऑन एक जगह पर ही मिलता है, एक ही शॉप है उसकी, लेने के लिए जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं थोड़ा सा भीड़ है क्योंकि आज ईद है, ईद भी है और बैढ़न का मार्केट का दिन भी है, इसी दिन मंगलवार है तो इसी दिन को मार्केट भी लगता है, इसलिए मार्केट में भीड़ आपको मिलेगा रास्ते भर। देख सकते हैं कि रास्ते में नॉर्मल ट्रैफिक है, ज़्यादा हैवी ट्रैफिक तो है नहीं, लेकिन फिर भी भीड़ भाड़ है। तो देख सकते हैं कि पूरे रास्ते भर कितनी व्हीकल्स चल रही हैं, पूरे रास्ते में आपको लाइटिंग का ये व्यू आप देख सकते हैं, पूरा व्यू आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आप देख सकते हैं अभी एक आपको होटल आएगा, देख सकते हैं ऊपर में रेड कलर में लिखा हुआ मिलेगा, होटल सत्या इंटरनेशनल के नाम से। ये एक होटल है जो कि मान सकते हैं अगर लोकल में लग्जरियस होटल कह सकते हैं लोकल एरिया का। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो व्हीकल है यानी हमारी जो बाइक है 35, 37, 40, 45, 60। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि शाम के 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी मोबाइल में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 34 डिग्री टेम्परेचर अभी भी है, इवनिंग टाइम में भी जो टेम्परेचर है हाई है। तो दोस्तों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि अब पुराना हॉस्पिटल हो गया है, जिसको डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के नाम से इसको स्टार्ट कर दिया गया है और एक नई बिल्डिंग इसकी बना दी गई है जो कि आपको पीछे ही मिलेगा। और अब हम मेन सिटी में आ चुके हैं। मेन सिटी कहने का मतलब है कि जो पूरा मार्केट एरिया है जिसमें हर एक प्रकार की शॉप आपको मिल जाएगी। देखिए हम लोग अपना बाइक का एंटीगेटर जला दिए हैं और अब टर्न लेने वाले, राइट टर्न है, मस्जिद के जस्ट फ्रंट में है ये पूरा मार्केट। आप देख सकते हैं ये इसमें आप देख सकते हैं कितना क्राउड रहता है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है इसमें लगभग। अब अभी तो मार्केट में थोड़ा सा कम भीड़ है, नहीं तो बाइक पार्किंग और निकलना मुश्किल होता था। आप देख सकते हैं चारों तरफ के जो शॉप्स हैं, आप देख सकते हैं ये अभी और आगे जाएंगे तो और आपको शॉप्स मिलेगा। लगभग ये 500 मीटर या 1 किलोमीटर का एरिया है, इसी एरिया में आपको, ये लंबा एरिया है, इसमें हर एक प्रकार की जो ब्रांडेड शॉप्स हैं वो आपको मिल जाएगा, चाहे जिस भी कैटेगरी का आपको शॉप चाहिए, चाहे वो ज्वेलरी से रिलेटेड हो, कपड़े से रिलेटेड हो, या फिर शूज़ या खाने वाले चीज़ें से रिलेटेड हो, सभी प्रकार की शॉप्स अवेलेबल हैं। बीच में आपको यहाँ पे एक टेंपल भी मिल जाएगा, पूजा करने वाले लोग पूजा भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब देख सकते हैं ये आ गया एक शॉप, अंबेडकर शॉप जो है। और अब हम जो यहाँ का बस स्टैंड है उसमें जाने वाले हैं। बस स्टैंड ऐसा भी नहीं, ये बस स्टैंड आपको नेशनल बस स्टैंड मिल जाएगा, यहाँ से आपको लगभग बहुत स्टेट की बसें मिल जाएंगी, लोकल से लेकर स्टेट क्रॉसिंग के लिए भी बस आपको मिल जाएगी। अब ये एरिया बहुत ही भीड़भाड़ वाला एरिया है, तो अभी हम जिस जगह पे जाना था वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो दोस्तों जो लेने आए थे वो हमें मिल चुका है और अभी हम निकलने वाले हैं मार्केट से थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। देख सकते हैं ये चला रहे हैं, बड़ा सीरियस माइंड में होकर चला रहे हैं, पूछते हैं क्यों इतना सीरियस ये हो चुके हैं। इनका कॉल भी आ गया, देखिए कल चला करते हैं। तो ये है दोस्तों एक पार्क जिसका नाम है मल्हार पार्क, ये आपको हर टाइम ओपन मिलेगा, लेकिन शाम को इसमें भीड़ रहती है, एक मॉर्निंग टाइम में भी भीड़ रहती है।